वी आर शॉक्ड। और मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि प्रिंसिपल ने बोला है कि क्या है, न्यूज में आओगे, दो दिन आएगा और तीसरे दिन बंद हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना था, हमने उनसे मेल करके उनसे मीटिंग अरेंज की थी कि आप आए प्लीज हमसे बात करें, हमें कुछ नहीं करना, हमें वन टू वन आप मीटिंग कर लीजिए, लेकिन वो नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और जो भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। सबसे पहले तो हम यहाँ काफी देर तक वेट कर रहे थे, कोई आया नहीं। फिर हमने डीएम सर के ऑफिस तक गए, उनसे हमने डिमांड की, उसके बाद ये सब आए हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी डिमांड्स जो भी थी वो फुलफिल करेंगे। ये हमारी डिमांड सर सबसे पहले तो यही थी कि जो बच्चे के साथ वो हुआ है उसे जस्टिस मिले, उन्होंने बोला है कि ये होगा। दूसरा हमारा ये था कि हमारे स्कूल में कोई भी बच्चों के स्कूल में कोई भी मेल स्टाफ नहीं होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने कहा है कि अब से नहीं होगा। और हमारा ये डिमांड था कि ओनली फीमेल ही इस स्कूल में काम करेंगी, फीमेल स्टाफ ही होनी चाहिए, तो वो भी ये माने हैं। अब हमें उम्मीद ये है, इन्होंने हमारी मैक्सिमम डिमांड सुन ली है, अब हमें ये उम्मीद है कि बस ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया और कार्यवाही नहीं हुई। प्रिंसिपल नहीं आई सर, वी आर शॉक्ड। और मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि प्रिंसिपल ने बोला है कि क्या है, न्यूज में आओगे, दो दिन आएगा और तीसरे दिन बंद हो जाएगा। आई वॉज रियली शॉक कि उन्होंने ऐसा बयान दिया, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा। और अभी भी वो पुलिस को और इनको सबको बयान देती रही कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, और वो आई नहीं है। आई एम रियली सरप्राइज, आप एक स्कूल की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उस बच्चे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हमें कुछ नहीं करना था, हमने उनसे मेल करके उनसे मीटिंग अरेंज की थी कि आप आए प्लीज हमसे बात करें, हमें कुछ नहीं करना, हमें वन टू वन आप मीटिंग कर लीजिए, लेकिन वो नहीं आई। और उन्होंने रात को मैसेज बोल दिया, उन्होंने पीटीएम भी कैंसिल कर दी। देखिए स्कूल जो केबली स्कूल का मामला था उसमें जैसे ही ये घटना संज्ञान में आई थी उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और जो भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। आज सुबह से पेरेंट्स स्कूल में आए थे क्योंकि आज जो पेरेंट टीचर मीटिंग के नाम पे स्कूल के लोगों ने सारे पेरेंट्स को बुलाया भी था। हमारे पास जब बात आई कि कोई स्कूल का ऑथराइज्ड व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं हो रहा है तो फिर हमने एक कमेटी बनाई जिसमें सिटी मैजिस्ट्रेट, डीआईओएस, बीएसए और प्रोबेशन ऑफिसर थे। इन अधिकारियों की उपस्थिति में फिर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके साथ आज काफी विस्तार से चर्चा भी हुई है और जो जो कंसर्न्स पेरेंट्स के थे, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके हो या बाकी अन्य बिंदुओं को लेके हो, उस पर स्कूल के लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि उसको जल्द ही वो दूर करा लेंगे। जो भी दोषी जिनकी बात आ रही थी, जो प्रिंसिपल हों या बाकी टीचर्स वगैरह हैं, उन पे भी मैनेजमेंट कार्यवाही कर रहा है।